हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब पर, जहां मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब से लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज 16 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मीडिएटर फॉर रिसॉल्विंग वेरियस डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन विद इन BCCI। तो कि जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको रिसॉल्व करने के लिए BCCI के अंदर किसे अपॉइंट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है PS नरसिम्हा। तो PS नरसिम्हा जी हैं, उनको एज अ मीडिएटर BCCI के अंदर अपॉइंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो MR कुमार वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो MR कुमार हैं, तो उनको कौन सी कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो उसका सही आंसर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसमें लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड MR कुमार एज द चेयरमैन ऑफ LIC एंड बिपिन आनंद एंड TC सुनील कुमार एज अ MD। तो यहाँ पर MR कुमार को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, और जो बिपिन आनंद और TC सुशील कुमार है, उनको MD अपॉइंट किया गया है। तो जो LIC का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसमें एक चेयरमैन होता है और चार MD होते हैं। तो जो MR कुमार इज करंटली एज अ जनरल मैनेजर एट दिल्ली LIC, जो MR कुमार है वो प्रेजेंट में जनरल मैनेजर हैं दिल्ली LIC में, तो उनको एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है LIC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री एग्री टू वर्क एक्सपीडियसली ऑन ऑपरेशनलाइजिंग द करतारपुर कॉरिडोर। जो करतारपुर कॉरिडोर है, उसमें पाकिस्तान के साथ कौन सी कंपनी एग्री हो गई है उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए। तो इसका सही आंसर है इंडिया, क्योंकि इसका सही आंसर इंडिया है, क्योंकि वहाँ पर गुरुद्वारा दरबार साहिब है जो पाकिस्तान करतारपुर में पड़ता है, तो वहाँ पे पंजाब और अटारी बॉर्डर के पास थोड़ा पड़ता है वो। तो वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों वहाँ पे एक जो रिप्रेजेंटेटिव उसके मिलेंगे वहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ द टॉप द मर्सर इंडेक्स ऑफ मोस्ट लाइवेबल सिटीज़ फॉर 10 ईयर। मतलब ऐसी कौन सी सिटी है जो मर्सर इंडेक्स के अनुसार, जो मतलब रहने के योग्य सबसे बेहतरीन सिटी मानी जाती है, लगातार 10वां साल उसको दिया गया। तो इसका सही आंसर वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसका सही आंसर वियना, लगातार 10वीं बार ऐसा हुआ है कि वियना को ये टॉप, वियना ने जो टेबल है इंडेक्स का, उसको टॉप किया है। तो सबसे अच्छी सिटी मानी जाती है रहने के हिसाब से। तो जो सेकेंड प्लेस है उसका ज्यूरिख है, उसके बाद फिर ऑकलैंड न्यूजीलैंड हो गया, मुनिस हो गया एंड वैंक्यूवर हो गया, जो कि थर्ड पे है। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो इंडिया का चेन्नई है, जो कि 105वें नंबर पर है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर डे 2019। जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है, विश्व उपभोक्ता दिवस, तो उसकी थीम इस बार में क्या रही है। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है बी, ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट। तो जो कंज्यूमर डे होता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, याद करना 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। जो इस बार की थीम है इसकी, वह है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन कैरेक्टराइज एज अ प्राइवेट सेक्टर लेंडर फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ मेजोरिटी स्टेक बाई LIC। तो कौन सी बैंक है जिसको, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में अब हो गई है, पहले गवर्नमेंट बैंक थी उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया गया है RBI के द्वारा। तो उसका सही आंसर है IDBI। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया थी, उसको प्राइवेट घोषित कर दिया गया है एज पर RBI के अनुसार वो प्राइवेट बैंक हो गई है, क्योंकि इसके जो 51% स्टेक है वो आपके LIC ने ले लिए हैं। तो IDBI हैज़ बीन कैटेगराइज द प्राइवेट सेक्टर बैंक, 21 जनवरी 2019 से वो प्राइवेट सेक्टर बैंक एज अकाउंट होगी IDBI। तो अगर आप कोई पूछता है कि इनमें से कौन सी बैंक प्राइवेट सेक्टर घोषित कर देगा, तो IDBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एडिशन ऑफ 34th एडिशन ऑफ आहार, जो आहार का 34th एडिशन है, जो कि इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर, किस सिटी में आयोजित किया गया। तो उसका सही जवाब है न्यू दिल्ली में ये आहार का 34th एडिशन का फेयर लगेगा, जिसमें कि टॉप कंट्री है, जो कि
इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो टॉप कंट्री है पार्टिसिपेटिंग, हम चाइना, जर्मनी, हांगकांग, इटली, इंडोनेशिया, जापान, रशिया, यूएसए, स्पेन और यूके कंट्री आ रहे हैं, तो उसमें नियरली 560 नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट है इसके अंदर। जो प्रगति मैदान में इसका फेयर लगेगा जो कि 12 मार्च से स्टार्ट हो गया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेम द सोशल एंटरप्रेन्योर हु वॉन अ कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड फॉर द एशियन रीजन एट लंदन। मतलब किसको सोशल एंटरप्रेन्योर का सबसे युवा का अवार्ड, यूथ अवार्ड मिला है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए पद्मनाभन गोपालन। तो इनको कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, तमिलनाडु के हैं ये एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक सेलिब्रेट इट्स 114 फाउंडेशन ऑन 12 मार्च 2019। मतलब किस बैंक ने अपना 114 फाउंडेशन 12 मार्च 2019 को सेलिब्रेट किया है, तो उसका सही बैंक है, सही वो आंसर है कॉरपोरेशन बैंक। जो कॉरपोरेशन बैंक है आंसर सी इज द राइट आंसर, इसने 12 मार्च को 114वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिलीज कॉइन कॉमनोरेटिंग एक्सनेशन ऑफ क्रीमा, तो उसका सही आंसर है आपका रसिया। तो रशिया ने ऐसा कॉइन रिलीज किया है द न्यू कॉइन डेट फीचर द क्रीमिया और क्रेच स्टेट ब्रिज रिलीज बाय रशियन सेंट्रल बैंक। तो जो न्यू रिवेल है, रूबल जो रशिया की करेंसी है, तो उसमें कॉइन जारी हुआ है रूबल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीटा थुनबर्ग द 16-year-old स्टूडेंट एंड एक्टिविस्ट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज फॉर फाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग सी बिलोंग्स टू विच कंट्री। मतलब 16 जो ग्रेटा थुनबर्ग है 16 वर्षीय छात्रा और स्टूडेंट और एक्टिविस्ट हैं और उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, वो कौन से देश से बिलोंग करती है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। उसका सही आंसर स्वीडन, स्वीडन इज द करंट आंसर, तो स्वीडन से बिलोंग करती है, तो उनको नॉमिनेट किया गया बहुत ही कम उम्र में पीस के लिए, एक्टिविस्ट है उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑनर्ड विद सोशल एंटरप्राइज नेटवर्क SEN सस्टेनेबिलिटी अवार्ड फॉर एजुकेटिंग बाई यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो किसको ये अवार्ड मिला है, कौन संस्था को ये अवार्ड मिला है, तो उसका सही आंसर है सोना युक्ति। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो सोना युक्ति स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वाज ऑनर्ड द सोशल एंटरप्राइज नेटवर्क सस्टेनेबिलिटी अवार्ड फॉर एजुकेटिंग बाई यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सोना मुक्ति है, हेल्प कर रही है अराउंड 55,000 इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस ऑब्जर्वेटरी हैज बीन यूज्ड बाय इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स टू आइडेंटिफाई ए न्यू ग्रुप ऑफ स्टार इन द ग्लोबल क्लस्टर NGC 2808। तो इंडिया के जो एस्ट्रोनेटर हैं, तो उनकी जो कौन सी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि नए ग्रुप के स्टार्स, जो नए इस ग्रुप के तारे होते हैं, उनको फाइंड करने के लिए लिया। तो उसका सही आंसर है आंसर ए एस्ट्रोसेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस फुटबॉल प्लेयर जो जिलेदिन जिडान है, उनको कौन सी टीम का कोच निर्धारित किया गया। तो उसका सही आंसर है स्पेन, स्पेन की जो रियल मैड्रिड टीम है उसका कोच जिलेदिन जिडान को हाल ही में बनाया गया है, पहले थे उसके बाद छोड़ के चले गए, लेकिन दोबारा इनको बनाया गया है। लिखा हुआ जिनेदिन जिडान हैड अर्लियर वॉन 9 ट्रॉफी एज मैड्रिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ पे होंगे। जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम होने वाले हैं 2019 के, तो कहाँ होंगे, ये होंगे आपके आबू धाबी। तो आबू धाबी इसका राइट आंसर है, आबू धाबी में गेम होंगे जो कि 14 से 21 मार्च के अंदर खेले जाएंगे। तो उसमें अराउंड 7500 एथलीट आएंगे फ्रॉम 190 कंट्री। तो टीम इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर UAE। इंडिया के 387 प्लेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कंपनी हैज टीम्ड अप विद द इंडियन रेलवे टू फ्लाई एस ट्रांसपोर्टेशन। जो एस ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कौन सी कंपनी के साथ टाई अप हुआ है इंडियन रेलवे। तो इसका सही आंसर है NTPC। बी इसका सही आंसर है, तो NTPC के साथ ये टाई अप हुआ है, जो अपना नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है NTPC, उसके साथ
इंडियन रेलवे टाइड अप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 5-time WWE वर्ल्ड हेल्थी वेट चैंपियन हु अनाउंस द रिटायरमेंट। मतलब WWE के ऐसे कौन से चैंपियन है जो 5 बार चैंपियन हो चुके हैं और जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट लिया है। तो इसका सही जवाब कर्ट एंगल। कर्ट एंगल जो बहुत ही बेहतरीन रेसलर रह चुके हैं WWE के, तो उन्होंने अप्रैल 2019 को ही अपना रिटायर हो जाएंगे और रेसलिंग कर रहे हैं सिंस द एज ऑफ 7। उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था ओलंपिक 1995 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑब्जर्व डांडी मार्च डे ऑन विच ऑफ द डे। तो इंडिया डांडी मार्च डे किस तारीख को मनाता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 मार्च। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इनोग्रेट द इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2019 फ्रॉम 12 मार्च to 16 मार्च। तो क्रोने ये इसका शुभारंभ उद्घाटन किया है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए ए के भल्ला जी ने इसका शुभारंभ किया है, जो अपने ए के भल्ला सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ पावर इनोग्रेटेड।